देखिए आप, कांग्रेस ने जो फिलहाल हमसे बात की, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों उम्मीदवारों को कांग्रेस का जो है पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब कुछ अंदरूनी बातें हैं जो शायद यहां पे उनका जिक्र करना इस वक्त पे मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक दो दिनों के अंदर अंदर दिल्ली जाके आपको पूरी तरह से इस चीज को क्लियर कर दिया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिलके इन पांच सीटों पे पांचों उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जो है पूरी मेहनत करेगी। आज आपने देखा होगा हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे, वो इसलिए कि जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के लिए वो है कैंपेन कर रहे हैं। कल कटोट में थे, आज कटरा में हैं और मेरे भी इसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि दोनों जम्मू और उधमपुर सीटों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को हम कामयाब करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह कांग्रेस ने भी हमें अशोर किया है कि जहां जहां कश्मीर की वादी में जितना भी उनका असर रसूख है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसा लगता है कि शायद महबूबा मुफ्ती भी शायद खुद कंटेस्ट करेगी वहां पे, कैसा मुकाबला साउथ कश्मीर वाली सीट पे अभी? कोई मुकाबला आसान नहीं होता, लेकिन आप मुझे बताइए ना, कभी कभार तो आपकी कमेंट्री मतलब मीडिया की कमेंट्री में होता है कि अगर स्टेट कॉन्टेस्ट होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होगा, यहाँ पे उम्मीदवार ज्यादा हैं इसमें भी आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान नजर आता है। आप तय करिए ना हमारा नुकसान किस चीज में है, स्टेट कॉन्टेस्ट में है या मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में है, क्योंकि दोनों तो चल नहीं सकती। या तो इनके लड़ने से साउथ कश्मीर में हमें मुश्किल होगा, या तो फिर सजाद लोन का अकेला हमारे से मुकाबला करना है उससे हमें परेशानी होगी। दोनों चीजें साथ साथ तो चल नहीं सकती, लेकिन जहां तक इलेक्शन में उम्मीदवार उतारना ना उतारना ये पार्टी का अपना फैसला होता है, उन्होंने अपना फैसला ले लिया, ठीक है ना, जो होगा सो होगा। बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है साउथ कश्मीर वोट बढ़ता हुआ? नहीं, सवाल तो आपको ये करना चाहिए कि क्या उनका वोट हमें वैसे मिल भी जाता या नहीं, क्या उनका वोट हमें ट्रांसफर होता या नहीं। आप डीडीसी के नतीजे निकालिए और देखिए कितने वोट ट्रांसफर हुए, क्या उस वक्त वोट पीडीपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्रांसफर हुए या नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी को, या उस वक्त पीसीबी थी, क्या वोट ट्रांसफर हुए या नहीं, उसी से आपको जवाब मिल जाएगा। साहब क्या इंडिया ब्लॉक में आप आउटसाइड जेएनके भी अलायंस के लिए कैंपेन करेंगे? मैं कौन होता हूँ आप मुल्क के बाहर कैंपेन, ये रियासत के बाहर कैंपेन करने के लिए, मैं अदना सा वर्कर हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मेरी जिम्मेदारी जो है इन तीन सीटों की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और उन दो सीटों पे कांग्रेस की मदद करने की। लद्दाख में भी हालात जिस तरह बन रहे हैं वहां पे भी हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से बाहर तो कैंपेन करने का मेरा ना कोई इरादा है ना मैं कहीं जाऊंगा। फारूक साहब की जहां तक बात है मैं उसमें कह नहीं सकता, हम उम्मीद करते हैं कि हालात पे जो है मतलब जिस तरह हमें धोखा दिया गया, जिस तरह हमें बेइज्जत किया गया है, कम से कम और किसी तरीके से नहीं तो वोट के जरिए यहाँ से अपनी आवाज जो है वो बुलंद की जानी चाहिए। और श्रीनगर के वोटरों को ये एक बहुत बड़ा मौका है कि जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा कायम हो गया था खासकर श्रीनगर के इलाकों में, उसको एक पॉलिटिकल एक शेप देने में, तो मैं उम्मीद करूंगा कि भारी तादाद में वोटर जो है श्रीनगर के वो आएंगे और 13 मई को अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हमने फिलहाल तो कोई फर्क पाया नहीं है, हमारे कैंडिडेट के ऐलान होने के बाद भी हमारे कैंडिडेट को कोई खास सिक्योरिटी मिली नहीं। और मैंने अपनी तकरीर में कहा यहाँ लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को गाली देने पे घंटे के अंदर अंदर पीएसओ दिए जाते हैं, हमारे तो कैंडिडेट के ऐलान होने के दो दिन के बाद भी कैंडिडेट के सिक्योरिटी में कोई तब्दीली नहीं आई, जो हमारे स्टार कैंपेनर्स हैं उनकी सिक्योरिटी में कोई तब्दीली नहीं आई।
और उल्टा तो हमें ये लग रहा है कि इंतजामिया का इस्तेमाल किया जा रहा है हमें तंग करने के लिए, हमारे प्रोग्राम जो हैं उन्हें उन पे रुकावट पैदा करने की। और कोई बात नहीं, जहां एक तरफ से हम सियासी पार्टियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां दूसरी तरफ से हम इंतजामिया के खिलाफ भी लड़ेंगे, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए।